इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में 10 रोजा जलसा कार्यक्रम में हुजूर कादरी मियां पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम समाज को आशूरा की दुआ पढ़ाई। मुहर्रम माह में करबला में इमाम हुसैन के 72 शहीदों की याद में अंजुमन मुस्लिमीन कमेटी तकिया पारा द्वारा 10 रोजा जलसा का आयोजन ईदगाह मैदान में किया गया। इस अवसर पर पूरे 10 रोज तकरीर से कौम को खिताब फरमाने हजरत मौलाना मुफ्ती अनवर हुसैन मसूदी खलीफा हुजूर सैफुल इस्लाम बांदा उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। वहीं 10वें दिन यौम आशूरा के दिन आशूरा की दुआ पढ़ाने पैगंबर साहब के वंशज हुजूर ताजुल औलिया हजरत सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफ उल जिलानी कादरी मियां की चौचा शरीफ से तशरीफ लाए। वहीं अंजुमन मुस्लिमीन कमेटी द्वारा 10 रोज जलसा के आखिरी दिन आशूरा की दुआ के बाद सभी मुस्लिम समाज के द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने इस लंगर से प्रसाद ग्रहण किया। ईदगाह मैदान में आयोजित 10 रोजा जलसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होकर शहादत इमाम मकाम हसन और हुसैन सहित उन 72 शहीदों की याद को ताजा किया और अल्लाह से दुआ मांग करबला वालों के सदके में देश और दुनिया में खुशहाली की दुआ मांगी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुहर्रम का 10वां रोज़ा है जिसे हम यौम आशूरा के नाम से मनाते हैं और हमारे जो पैगंबर साहब के वंशज हुजूर कादरी मियां तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे बीच लोगों को आशूरा की दुआ पढ़ाई जाएगी, जिसमें शहर और पूरे प्रदेश के लिए अमन सुख शांति की दुआ की जाएगी। और इसी बीच शहर के हर वार्डों से जो हमारे मुस्लिम भाई है वो लंगर का आयोजन करते हैं और ये जलसा ख़त्म होने के बाद वो लंगर को लोगों के बीच तकसीम किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी 10 रोज़ा मुहर्रम के जलसे का तकरीर प्रवचन का कार्यक्रम तकिया पारा ईदगाह मैदान में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये 56वां साल है और हमारे 10 दिन के लिए जो हमारे मौलाना मुफ्ती अनवर हुसैन सुभानी मसूदी साहब जो उत्तर प्रदेश बांदा से तशरीफ लाए हैं और उन्हीं के साथ साथ हमारे पैगंबर साहब के वंशज आले नबी औलादे अली फरजंदे गौसे आज़म शहजादे सिमना हुजूर कादरी मियां साहब किबला जो 2 दिन के लिए तशरीफ लाए हैं और कौम से खिताब कर रहे हैं और विशेष दुआ आज के दिन वो पढ़ाएंगे और दुर्ग ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए अमन सुख चैन के लिए दुआ की जाएगी। मोहम्मद जुनैद लाल आजमी, सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन कमेटी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।